चल के देखते हैं। ताती क्या हो रहा है यहाँ पे? वो बीजी मेरे पेट में ना चूहे हाथी कूद रहे थे, इसलिए मैं किचन में खाना लेने आ गया। पर आप तो एक को ते प्लेटा तीन क्यों? तीन प्लेट क्यों? हाँ हाँ, और तीन प्लेट, वो एक प्लेट पेट में दौड़ रहे चूहों के लिए और दो प्लेट पेट में दौड़ रहे हाथियों के लिए। क्या बोल रहा तू, पागल हो गया है कि नींद में है? शर्म कर, बच्चे भूखे हैं और तू तीन तीन प्लेटों में खाना खा रहा है। जा अपने कमरे में और खबरदार अगर मेरे पूछे बिना कमरे से बाहर निकला तो। बीजी बाहर नहीं आऊंगा तो आपसे पूछूंगा कैसे कि बाहर आना है कि नहीं? बकवास ना कर बेवकूफ, चल बेवकूफ। बच्चों जाओ, तुम लोग भी आराम करो, तेरे पापा जी को ना मैं देख लूंगी। चल पुत्र। जी बीजी। बहुत भूख लगी है यार। हाँ यार, जोरों की बहुत भूख लगी है। अरे अमन और रविंदर कहाँ गए? छोड़ ना यार, मुझे भूख लगी है और तेरे को अमन और रविंदर की पड़ी है। कोई आया होगा, दरवाजा खोल दिया होगा, चले गए होंगे वो दोनों। अगर चार दिन ऐसे ही चलता रहा ना कि हम ना खेल सकते ना खा सकते तो मैं पागल हो जाऊंगा। हाँ, हमें स्कूल ना जाने का बहाना नहीं बनाना चाहिए था। हाँ, फिर कम से कम हम स्कूल से आने के बाद आराम से एंजॉय तो कर सकते थे। हाँ, स्कूल में तो इंडिपेंडेंस डे पर लड्डू भी मिलते। मैं तुम लोग को इस मुसीबत से बचा सकता हूँ। पहले ये बताओ कि यहाँ से बाहर कैसे गए? ये छोड़ो और पहले अपने भूख के बारे में सोचो। पर तू हमारी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा? पहले वादा करो कि झंडा फहराने के लिए तुम लोग मन से स्कूल जाओगे। प्रॉमिस। तो जाओ और छोटी दादी जी को सबको सच सच बताओ। अरे छोटी दादी जी इन्हें और डांटेगी। तू ये क्या कह रहे? अगर ये लोग अपनी गलती मान लेंगे तो दादी जी इन्हें माफ कर देंगी। रंजीत भी इस झूठ में शामिल था। इस झूठ बोलने की सजा तो मिलेगी, जरूर मिलेगी। सुबह को भूला, अगर शाम को वापस घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे क्या कहते हैं दादी? उसे भूला हुआ नहीं कहते हैं पुत्र जी। जो कहन दी कोशिश कर रहे हो ना, मुझे चंगी तरह समझ आ रहा है। चल अपने कमरे चल। सॉरी दादी जी। ठीक है ठीक है, चलो जाके पहले खाना खाओ। और याद रखना कल 15 अगस्त है, स्कूल जाना है, भूलना नहीं। चलो छेती करो। ओ बीजी, ओ मनु पता है की लग रहा था कि चिक्की टिक्की को ना उस डॉक्टर के इंजेक्शन का ना असर नहीं हो रहा है। इन दोनों को ना किसी बड़े डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हाँ पुत्र, मुझे तो ऐसे लगता है तुझे बच्चों की बहुत चिंता है, है ना? जी बीजी। कोते, तुझे क्या लगता है इस साजिश में कौन शामिल था? मुझे नहीं पता। इसकी सजा तो तुझे मिलेगी, जरूर मिलेगी। पूरे घर के कपड़े तू धोएगा, समझ गया ना? ना बड़ा खोता हो गया, अकल पता नहीं कब आएगी। बेवकूफ। ले गर्मा गर्म पराठा। अच्छा बताओ तुम दोनों ने आज की सीखा? हमने सीखा कि कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। झूठ का पर्दा कभी ना कभी खुल ही जाता है। बिल्कुल सही। चलो अब खाओ जल्दी जल्दी। हमारे आजादी के 67 इयर्स पूरे हो गए और हम ये दिन सबके साथ बहुत खुशी से मनाएंगे। ये झंडा हमारी शान है और 15 अगस्त को तो हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन 16 को हम भूल जाते हैं। लेकिन इस बार हम नहीं भूलेंगे। 16 को ये झंडा हमें रास्तों पर गिरा हुआ नहीं दिखना चाहिए।
हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत।